हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की मेरी इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर पायल फ्रॉम डॉक्टर पायल होम्यो केयर। अपनी आज की इस नए वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सीजेरियन डिलीवरी के बाद आपको अपने स्टिचेस की देखभाल कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, जब आपकी सीजेरियन डिलीवरी होती है तो वहाँ पर आपको अच्छे से एग्जामिन करके चौथे दिन आपकी छुट्टी कर दी जाती है आपके स्टिचेस पे एक वाटरप्रूफ पट्टी लगाकर, ताकि उस पर पानी या और चीजें ना लगे। लेकिन 7 दिन के बाद आपको दोबारा हॉस्पिटल में बुलाया जाता है, आपको अच्छे से एग्जामिन किया जाता है। डॉक्टर आपके टाकों को अच्छे से चेक कर देख कर कहीं उसमें मवाद या इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, ये सारी चीज़ें सुपरवाइज करके आपके टांकों को रिमूव कर दिया जाता है। तो उसके बाद आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए अपनी इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी। तो टांके रिमूव होने के बाद घर वाले जो होते हैं आपको नहाने नहीं देते हैं। क्यों? उन्हें लगता है कहीं टांकों पे पानी लग गया तो ये टांके आपके पक ना जाए। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है दोस्तों। अक्सर स्टिचेस रिमूव करने के बाद आपको हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, खासकर टांकों के एरिया में। हाँ, आप नहाते टाइम उस जगह पे पानी तो लगेगा ही जब आप नहाएंगे उससे, लेकिन आपको उसे अच्छे से पोंछकर सुखा कर रखना है और ज़्यादातर कॉटन वाले कपड़े ही यूज़ करने हैं। आपके अंडरगारमेंट्स, आपका गाउन कॉटन वाला ही होना चाहिए, ताकि जो एयर है वो पास हो सके और वहाँ पे वो एरिया ड्राई रह सके, वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो। ऐसा नहीं होता है कि आप नहा नहीं सकते उससे आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, बल्कि आप उस जगह की हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो आपके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए हाइजीन प्रॉपर रखनी है। डॉक्टर जो ऑइंटमेंट आपको दे वो प्रॉपर आपको लगाना है और अपने खान पान का पूरा ध्यान रखना है। आपको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें नहीं यूज़ करनी है। क्यों? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें होती हैं वो आपके स्टमक में गैस फॉर्म करती है, जिसकी वजह से आपके स्टिचेस पे भी दबाव पड़ सकता है। तो ऐसे खानों का यूज़ ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन वाला खाना लें, जो आपकी मसल स्ट्रांग करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ आपके बेबी के पोषण के लिए भी अच्छा होता है। और हाँ, जो डॉक्टर आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करता है उसे टाइम टू टाइम लें, अपनी दवाइयाँ स्किप ना करें, जिससे आपकी रिकवरी फास्ट होगी। और अगर स्टिचेस रिमूव करने के बाद 1 महीना बाद या 1.5 महीने बाद आपको वहाँ पे रेडनेस या बर्निंग या फिर मवाद जैसी चीज़ फील होती है, तो आप एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपनी बीमारियां लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियो में उनके ऊपर आपको जानकारी दे सकूं। थैंक यू।